हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करने वाली हूँ। मैंने मेरे हेयर को घर पे ही कट किया है और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कट किया है। अभी मैं आपको मेरे हेयर की लेंथ बिल्कुल शो नहीं करूँगी। हेयर की लेंथ जो है वो आपको वीडियो के एंड में शो होगी, बट बिलीव मी, मेरे जो हेयर की लेंथ थी उसको मैंने काफ़ी शॉर्ट कट कर लिया है। फाइनली मुझे बहुत दिनों से मेरे हेयर को शॉर्ट कट करना था एंड इसको मैंने खुद से घर पे ही कट किया है। एज यू नो, बिकॉज ऑफ पैंडमिक मैं बाहर जाके हेयर कट नहीं करवाती हूँ, तो इसीलिए मैंने मेरे हेयर को घर पे ही कट किया है और ये बहुत ही इजीली कट भी हो गया है। तो मेरे हेयर की लेंथ को देखने के लिए ना आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके ब्यूटीज़, तो यहाँ पे मैं मेरे हेयर को आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो मेरे हेयर की लेंथ है वो कुछ इतनी है, और मेरे हेयर ना थोड़े से यहाँ पे ऑयली भी लग रहे हैं क्योंकि मैंने 2-3 दिनों से मेरे हेयर को वॉश नहीं किया है। बट ये हेयर लेंथ ना मुझे अब बिल्कुल सूट नहीं कर रही है, एंड साथ के साथ मुझे हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, तो इसीलिए मैंने मेरे हेयर को कट करने का डिसाइड किया है। तो हेयर को हम कट करेंगे कुछ उसी पुराने स्टाइल में, बट येस, यहाँ पर आगे जाके ना ट्विस्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हम हेयर को कॉम कर लेते हैं और सारे हेयर सेक्शन को आगे की साइड ले आते हैं, और रबर बैंड की हेल्प से यहाँ पे अच्छे से हम टाइटली हेयर्स को सिक्योर कर देते हैं। और अगर आपकी हेयर लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी है तो यहाँ पे हम उस हेयर लेंथ को 2 से 3 रबर बैंड से और सिक्योर करते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि मेरी हेयर की लेंथ जो है वो उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो यहाँ पे मैं मेरे हेयर को केवल 2 ही बार सिक्योर करूँगी। तो बस जब ऐसे सिक्योर कर लेते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने हेयर लेंथ को कट करना है। तो यहाँ पे मैं मेरे इतने हेयर लेंथ को यहाँ कट कर रही हूँ, एंड येस, यहाँ पर आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा बट ये काफ़ी लंबी हेयर लेंथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही कम हेयर लेंथ को काटा है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से कट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो सीज़र था वो इतना शार्प नहीं था, तो एक बार में मेरे पूरे हेयर जो थे वो नहीं कट रहे थे। तो यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं, 2-3 स्टेप में धीरे धीरे हेयर को कट कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से हेयर को जब कट कर लिया है मैंने, तो मैं मेरे पूरे हेयर लेंथ को एक बार ओपन करके देख लूँगी कि मेरी जो डिज़ायरेबल कट थी, मतलब कि जितना मुझे हेयर को कट करना था उतना कट हुआ या नहीं। बट मुझे यहाँ पर थोड़े से हेयर को और छोटा करना है और मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मुझे इसे दोबारा से करना होगा, यानी कि सेम प्रोसेस को यहाँ पे मैं दोबारा से करूँगी। तो थोड़ी सी और हेयर लेंथ को कट करने के लिए यहाँ पे मैं दोबारा से उसी सेम प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे इस बार मैं एक ही रबर बैंड को अच्छे से सिक्योर कर लूँगी, और उसके बाद दोबारा से मैं इतनी हेयर लेंथ को कट कर रही हूँ। यस, इस बार मैं और ज़्यादा छोटे सेक्शन को नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उससे फिर और छोटे मेरी हेयर लेंथ हो जाएगी। इस टाइम मैं इतनी ही हेयर लेंथ को यहाँ पर कट कर रही हूँ, और कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको हल्का सा, मतलब आप कह सकते हैं हॉरिजेंटल एक शेप दे दूंगी, जिससे कि ना इसमें बिल्कुल प्रोफेशनल वाला लुक आ जाता है। तो यहाँ पे मेरी हेयर जो है वो पूरी तरीके से कट हो चुकी है, और इसके बाद मैं मेरे हेयर लेंथ को यहाँ पे ओपन कर लूँगी। तो हेयर लेंथ को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसे मैंने घर पर कट किया है। जीएस, इतना अच्छा लुक आ जाता है। इसके बाद भी यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेरे हेयर में मिडिल पार्टीशन, एंड मिडिल पार्टीशन करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा मेरे हेयर को और कट करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नीचे का पार्ट है ना थोड़ा सा थिन रह गया है, तो दोनों साइड में इतना इतना हेयर सेक्शन जो है उसको दोबारा से कट कर लूँगी। अगर आप अपने हेयर को अच्छे से कॉम करके ना इस तरीके से कट करेंगे ना, तो ये हेयर पार्ट को कट करना बहुत ईजी होगा। और जब मैं इस वाले हेयर पार्ट को कट कर लूँगी ना, तो आप देखेंगे कि हेयर जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल हेयर कट जो है प्रोफेशनल जैसी दिखती है। आप देख सकते हैं, एक साइड मैंने कट कर लिया है, अब यहाँ पे दूसरे साइड में सेम हेयर सेक्शन को कट कर रही हूँ, एंड यहाँ पे जो मेरे हेयर्स हैं वो कट हो चुके हैं। एंड यू कैन सी कि मतलब बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसको मैंने घर पे कट किया है। आपको अगर इस टाइप की हेयर कट चाहिए तो आपको पार्लर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। पीछे से ये जो हेयर कट है कुछ इस तरीके की दिखती है, और आगे से आपने इसे ऑलरेडी देख ही लिया है।
सो ब्यूटीज़ फाइनली ये है मेरी हेयर कट। आप देख सकते हैं मैंने मेरे हेयर को कितना ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है और सीरियसली आई एम जस्ट लविंग इट। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहे हैं। और ये हेयर लेंथ ना बिल्कुल स्टेप कट में आ जाती है, एज यू कैन सी मैंने बहुत ही सिंपली काटा है, बट यहाँ से ही मेरे हेयर जो है वो कट में दिखना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से आप घर पर बहुत ही ईजिली अपने हेयर को कट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, bye-bye.